विधानसभा क्षेत्र का गांव है दुधली, राजनीतिक रूप से सजग और राजपूत बाहुल्य गांव। इस बार क्या फैसला करेगा मोदी योगी के नाम पर इस गांव से? इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा मतदान होगा या गांव में कोई है नाराजगी? इस गांव का हाल इस खास रिपोर्ट में आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका? आदेश कुमार सर। आदेश जी कहाँ रहने वाले हैं? गांव दुधली। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी सर, किस नजरिए से देख रहे हैं चुनाव को? देखते हैं सर, कोई समाधान तो है नहीं हमारे गांव अब तक। तो वोट नहीं करेंगे? वोट तो करेंगे सर। तो किसे करेंगे, क्या अनुमान लगा रखा? अनुमान तो यह है जी, भाजपा की जाएगी सर। क्या कर दिया भाजपा ने ऐसा? बस जी, सबकी सलाह यही है भाजपा की जाएगी। नहीं, कुछ काम भी तो करे होंगे? काम तो ऐसा हुआ नहीं जी कुछ अब तक। संजीव बाले जी से मिले अपने? नहीं सर, अब तक तो मिले नहीं। 10 साल हो चुके हैं सांसद बने हुए आपके क्षेत्र में? हाँ जी, 10 साल हो गए, अब तक कोई काम ऐसा तो करे नहीं। गाँव वाँव में कराओ कुछ? नहीं सर। तो फिर क्या करेंगे? तोड़ तो नहीं जाएगी ना। क्यों, कारण क्या है ऐसा? बस जैसे गांव के हिसाब से है, गांव के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक, क्या नाम है जी आपका? राहुल कुमार जी। राहुल कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? दुधली के। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी, किस नजरिए से देख रहे हैं चुनाव को? इसमें बीजेपी आएगी जी। क्या कारण है बीजेपी आएगी? कारण तो काफ़ी है, क्योंकि पीएम किसान योजना है जी, उनका पैसा आ रहा है जी किसानों के पास। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जॉब में भी काफ़ी सहयोग रहा है जी, योगी आदित्यनाथ का जी, और 2021 की भर्ती निकली है एलटी ग्रेड की, उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर बच्चों को ज्वाइनिंग करा दिया। अच्छा, और भी सरकारें हैं, उन्हें क्यों नहीं, पार्टियां हैं उनका? तो बस मेन कारण यही रहा कि ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहे हैं, जैसे सपा गवर्नमेंट आई थी उसमें ज़्यादा झगड़ा रहा, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हुई। तो अब की बार क्या करेंगे? अब की बार तो बीजेपी रहेगी जी गांव में भी। हाँ जी, संजय करे क्या करोगे? वोट जाएंगे। किसे? भाजपा को। क्यों, ऐसा क्या करा भाजपा ने? मारा भला कर रही बहुत हुआ। ऐसा क्या भला कर दिया बाबा? एक तो राम तो सोम है, और राम तो सोम है, दिन में घास लेने जाते, समझ गए, सुरक्षा थी इनका तेगी। अब सुरक्षा है? हाँ जी, राम तो है, वो 1,00,000 रुपये की मोटरसाइकिल लेकर आते पानी पर जा, जब दिन में ही हमें बांध दें तो सब पकड़ गए। सांसद जी भी आपके रह चुके हैं 10 साल हो गए, संजीव बालियान जी। हाँ जी, मिले आ जा हम यहाँ दुख सुख में बेचारे। काम वाम करवाए गाँव में कुछ? वो जी मारे मत करवा दिया कुछ, हम गिट्टो के अंदर। तो फिर ये बस अपने हम तो घोड़े बैठे हैं, क्या करें और? हाँ तो क्या करोगे आपके? वोट जाएंगे। किसे? मैं भाजपा को जाएंगे। क्या नाम है जी आपका? कौन से गांव के हैं आप? अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, किस नजरिए से देख रहे हैं चुनाव को गांव में? गांव में सब बीजेपी की नजरिए देख रहे हैं। क्या करा बीजेपी ने ऐसा? और नहीं, क्या करा अब तक? जो क्या करा ऐसा जो आप बीजेपी को देख रहे हैं, अन्य पार्टी को नहीं देख रहे? बीजेपी ने बिजली दे दी 24 घंटे, रात को हम आराम से सोए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी टाइम खेत में चले जाओ, किसी टाइम घर चले जाओ। अच्छा, वैसे गलत शब्द बोल रहे हैं, आचार संहिता की भाषा बस इतना रैंडो, बाकी एंड तो सांसद जी से मिले एक बार। हाँ, सांसद जी से, पंकज मलिक से मिले, उनसे बोलो बुला। तो पंकज मलिक तो दूसरी पार्टी में है, पार्टी के हैं। सांसद जी से मिले आप? हाँ, सांसद जी से मिले। कुछ विकास कार्य हुए नहीं हुए? उस बात पर तो विद्रोही चल रहा था। अच्छा, तो क्या करोगे इस बार? पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? आपके सर विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं, बट एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप लेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है, क्योंकि यूएसए से भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, है ना, देख रहे हैं। बट एज ए रोजगार यहाँ पे बंदे भाग रहे हैं, बाहर के भाग रहे हैं, देखिए। तो अच्छा, जैसे अभी यूपी पुलिस का पेपर भी आउट हुआ था, तो उसमें भी तो समस्या आई, विपक्ष ने भी है ना उस पर, है ना, देखिए वो तो पहले से होते हैं, पेपर्स लीक होते रहते हैं, अदर गवर्नमेंट में भी होते हैं। तो आप युवा हैं, जैसे आप अपने सांसद 10 साल हो चुके हैं आपके सांसद को, मिले आप उनसे? आज तक भी नहीं मिले, वो आज तक गांव में ही नहीं। तो फिर भी बीजेपी क्यों? बट सर हम मोदी जी के कार्यकाल को देखते हैं। अच्छा, चेहरा जो देख रहे हैं आप वो मोदी जी को देख रहे हैं? मोदी जी और योगी। तो क्या करेंगे इस बार युवा? वोट देने के प्रयास करेंगे। क्यों मेयर? किसे? बीजेपी को। तो क्या मान के चल ले गाँव में? हम तो जी भाजपा को वोट देख रहे हैं। क्यों भाजपा को? क्यों पहले तो ही क्या कारण है ऐसा?
क्या कर दिया जी? उसका फायदा बहुत ज्यादा है। क्या फायदा है? ये अपना निपराम फिर पार्लर रोज बदमाश कॉल कर रहे थे। अच्छा हाँ जी, सांसद जी से भी मिले अपने? ना हमने किसी तब मिले जी। तो सांसद जी उठ रहे आपके यहाँ से? तो हम तो बालियान को उठ देख रहे हैं। अच्छा, काम करवाए बालियान जी ने? हाँ काम कर रहे जी, सब तो बड़ा काम ही वही है जी, आराम से सो है पढ़ कर काम कर कर। अच्छा तो क्या करोगे अब की बार? अभी उसे ही वोट दे। मन यही है जी, देखते हैं जिस काम जो करेगा उसे ही वोट मिलेगी, जो क्षेत्र में रहेगा जो बीच में रहेगा उसे ही वोट पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाजपा को मिलेगी, जो भी पार्टी का जो है जो भी कैंडिडेट होगा जो काम करने वाला होगा काम के नाम पे वोट मिलेगी। तो कैंडिडेट तो उतार दिए पार्टी ने? कैंडिडेट उतार दिए हैं, देखते हैं। भाजपा ने भी जो है जाट है और सपा से भी जाट है, और हरेंद्र मलिक का जो है इस टाइम अच्छा, हमारे यहाँ पंकज मलिक भी है विधायक, वे भी हमारे बीच में रहने वाले हैं। जो भी काम करेगा, आज तक उन्होंने जो भी काम किए हैं उनके काम को वोट मिली है, आगे भी उनके काम को वोट मिलेगी। तो किसे वोट मिलेगी? देखो हमारा तो मन यही है कि काम जो करे उसको वोट दो, यानी कि मोदी ने काम करे मोदी को वोट जाए, भाजपा को ने काम करे भाजपा को वोट, सपा ने काम करे सपा ने बहुत काम किए हैं, 100 नंबर चलाई है सपा ने चलाई, 102 नंबर जो है जो मरीज जगते हैं वो सपा ने चलाई, काम तो सपा ने भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस राज्य में जो है भाजपा के उसमें अनदेखी हो रही है टिकट बांटने के बंटवारे को लेकर। अच्छा, ये जो है सिर्फ जातिवाद पे उस पर जो है टिकट दे रहे हैं, तो हमारा मानना तो यह है कि कैंडिडेट देखकर जो काम करे उसे देखो। तो क्या किस कैंडिडेट को देख रहे हैं आप अपने गांव में ज्यादातर? पंकज मलिक का बाप हरेंद्र मलिक अच्छा है कार्यकर्ता, जो पहले भी सांसद रहे, ऐसी बात नहीं है कि वो पहली बार सांसद जो बने हैं, पहले भी सांसद रहे हैं, हमारी तो उसको ही आएगी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हैं? गांव दूधली के जी। अच्छा, 2024 का चुनाव है लोकसभा का, तो गांव में किस मूड से देख रहे हैं इस चुनाव को? गांव में तो बड़ा माहौल बन रहा है जी। क्या माहौल बन रहा? माहौल बन रहा जी बीजेपी का। क्यों? क्योंकि ये गांव राजपूत तक आई है, जो कि सबका सपोर्ट उसमें पड़ती है। अच्छा, क्या काम करे मोदी जी ने? ऐसे मोदी ने जी पैसे बंटवा दिए, 2000 राशन दे दे रहे, और जी गैस सिलेंडर फ्री कर दिए, और क्या लो 5000 तक के वो फ्री कर रहे इलाज। 10 साल हो चुके हैं आपके सांसद जी को, क्या काम हुआ गांव में कुछ? हाँ जी हुआ। कि नहीं, क्या काम हुए? सड़कें बनी हुई बहुत काम हुए। अब मोदी जी का नाम ले रहे हैं आप, अन्य भी पार्टियां हैं उनसे क्यों नहीं? यहाँ पर नहीं, अन्य पार्टियाँ यहाँ तो वही है मोदी जी। जी क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। अच्छा, कौन से गाँव के रहने वाले हैं आप? गाँव तो मेरे पास नहीं ना कर पर चलो बताओ। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी। तो किस नजरिए से देख रहे चुनाव को? बीजेपी जीतते। क्यों? विपक्ष नहीं है, कुछ कमजोर है। कुछ कार्यवाही भी करवाए बीजेपी ने? नहीं, बस कर तो रही, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अच्छा कर रहे। विपक्ष मजबूत क्यों नहीं है, क्या कारण बना ऐसा? विपक्ष है ही नहीं, खत्म ही हो गया। तो क्या करेंगे अब की बार? बीजेपी जीतेगी केंद्र। बस लोग मोदी जी और योगी जी के मान रहे, कार्यकाल से खुश हैं उनके लोग, और जो सरकार की उपलब्धि है उनसे लोग खुश हैं। अच्छा, सांसद जी भी आपके 10 साल रह चुके हैं जी, बालियान जी। हाँ, बहुत बड़े कार्य हो रहा जी हमारे यहाँ। क्या विकास कार्य हुआ आपके? बस सारी चीज़ तो नहीं बता सकता, लेकिन विकास कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा। अच्छा, मैं आपके गाँव में घूमा जी, तो ठाकुर बिरादरी में जो है विरोध है थोड़ा बहुत बालियान जी का, क्यों विरोध है वो? थोड़ा बहुत विपक्ष हुआ करें, कुछ लोग हों, सब तो नहीं है, आप सर्वे कर रहे हैं आपको अधिक पता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई विशेष विरोध है नहीं। तो अब की बार क्या करेंगे? कमर खिलाऊंगी। तो क्या मूड है गांव का आपके? मूड जी भाजपा की वोट है यहाँ, सारी मोदी की है वोट। क्यों, ऐसा क्या कारण है? ऐसा जी कारण सब कुछ, मतलब फैसिलिटी उन्होंने दे रखी यहाँ। क्या सुविधा मिली आपको? सुविधा तो गुंडागर्दी खत्म हुई, अब नाज मिल लिया जी, और बथेरी योजना मिली, 2000 रुपये मिल ले जिसके 2 बीघे जमीन है उसे मिल ले, जिसके 2 बीघे उसे मिल ले। अच्छा, सांसद जी भी हैं आपके यहाँ के? हाँ जी। 10 साल हो चुके हैं, कुछ नहीं करा जी उनने। तो फिर वोट? वोट तो मोदी को दे रहे ना। अच्छा, वोट मोदी को योगी को दे रहे जी, उसे कोई नहीं दे रहा। अन्य पार्टियां भी हैं? अन्य पार्टियों को कौन दे रहा जी, कोई भी नहीं देता यहाँ गाँव में। तो क्या करेंगे अब की बार? अब की बार तो वो तो फैसला वही है जी, सब एक डब्बा सीख जाओ यहाँ तो। इस चुनाव का जी हम एंड ही सोच रहे इसका। क्या करोगे? बस इसको तो वोट मिलने की नहीं। किसे? लोग चुनाव।
हमारे यहाँ तो बीजेपी की वो है और बीजेपी ही रहेगी। क्या करा बीजेपी ने सर? भज्जी देखो, हमारी योगी मोदी की सरकार है, हम तो योगी मोदी के ही दे रहे हैं। अन्य पार्टियाँ भी हैं? अन्य पार्टियाँ हैं देखो, अन्य पार्टी तो अपने को कभी करे हैं अपनी कार्रवाई, लेकिन हमारे यहाँ जो रहेगी बीजेपी की सरकार है। ऐसे क्या कार्य करती है बीजेपी ने? भाई ऐसा सब कुछ कर रहा है, देखो हर महीने राशन मिलता है लोगों को, गरीब जनता को भी, हर 36 कौम को भी, और जिसके नाम एक बिस्सा भी जमीन है उसके 2000 रुपये साल में, यानी कि 6000 रुपये मिलते हैं जिसे मिले अपने। और जंगल की जो बिजली है हमारे यहाँ बीजेपी सरकार ने वो भी माफ़ी कर दी, 24000 रुपये साल के बैठते हैं, तो ये फायदा थोड़ा है जी। और गांव में देखो कि हर बीजेपी काम करवा रही है, सड़कें भी बनवा रही है, कहीं किसी का दुख सुख हो जा रहा है। लहजे में हमारे मंत्री साहब हैं संजू बालियान जी, मैं फौरन आते हैं, उनके विवेक भाई विवेक जी हैं, कोई ना कोई आता रहता है दुख सुख में यहाँ पे। क्या नाम है जी आपका? नरेश कुमार पुंडीर। अच्छा पुंडीर जी कहाँ के रहने वाले हैं? दूधली। अच्छा लोकसभा का चुनाव है, किस नजरिए से देख रहे हैं आप इस चुनाव को? इस नजरिए से देख रहे हैं जी, यहाँ तो ना तो शिक्षा है, ना बेरोजगारी ज़्यादा है जी, और पानी की सुविधा नहीं, जो टंकी पंकी सब खराब पड़ी, पानी नहीं आ रहा, यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो सांसद जी से मिले अपने? मिले जी, सांसद जी का टाइम है उनके दौरे में, तो वहाँ रहा है कहीं दिल्ली दिल्ली। अच्छा तो आपकी बार क्या मूड बना रखा? इनकी बार चेंज करने का मूड है। किसे करोगे भाई? नहीं दोगे महागठबंधन वालों को? अच्छा इंडियन गठबंधन को। हाँ इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। तो नाराज गए सांसद जी से? हाँ बिल्कुल नाराज गए। क्या नाम है? विक्रम। विक्रम जी कहाँ के रहने वाले? बोधली के। अच्छा लोकसभा का चुनाव है आपके क्षेत्र में? हाँ। तो क्या मान के चल रहे आपके? मान के नहीं चल रहे। किसे? जो आप कह रहे। नहीं मैं क्या कह रहा, आप ही तो बताओगे। हाँ। वोट तो आप डालोगे। हाँ, क्या तो रहे। किसे डाल देंगे? किसे डाल लेंगे? नाम तो होगा कुछ? नाम मैं जानता तो नहीं मैं। जब नाम नहीं जानते तो वोट किसे डालोगे आप? कोई काम वाम हुए गाँव में? नहीं काम भी नहीं। तो नाराज हो इसका मतलब? नाराज ही लग रहे। संजीव बालियान जी से नाराज हो? नाराज हो नहीं। हिंदा मलिक से खुश हो? नहीं नहीं, हम तो सारे पे ठीक है। तो सारी वोट डाल लोगे एक साथ ही? नहीं डाल देंगे तो एक पे। तो किस पे है? किस पे? बालियान पे ही डाल देंगे। क्यों बालियान पे क्यों? और भी तो पार्टियां हैं। पार्टी का ही बताओ, जो एक को घूमे एक पे गिरूं जाम गिरूं बताओ। अच्छा काम वाम घूमे आपके सांसद जी गांव में? गांव में आए? ना मैं तो इधर कोई नहीं आया। मिले भी नहीं आज तक? नहीं। अच्छा चलो। प्रमोद कुमार। कौन से गांव के रहने वाले हैं? दूधली। अच्छा लोकसभा का चुनाव है तो गांव में किस नजरिए से देख रहे हैं आप इस चुनाव को? किस नजरिए से? हाँ क्या करोगे? वोट देंगे। वोट कहाँ दोगे? जब मन करेगा जिसे देंगे। कुछ काम वाम हुए गाँव में? काम तो नहीं हो रहा कुछ। मोदी सरकार है, मोदी जी ने स्कीम भी निकाल रखी बहुत अच्छी अच्छी। क्या सरकार ने तो निकाल रखी है, योजना पहुंची आप तक? नहीं 5 किलो अनाज मिले बस, उसमें भिखारी बनाई थी 5 किलो। अच्छा 4 चप्पे काटे पड़े। अच्छा तो सांसद जी मिले? नहीं मिले सांसद जी। अबे नमस्ते जी साहब, ऐसा कौन सा उन तक मिलने वाले बहुत है उनके आदमी जो उन्हें काम है। तो गाँव में नाराजगी है? नहीं कोई नाराजगी नहीं, वो उस पर उस पर जागी बीजेपी। क्यों? हिंदू मुस्लिम नहीं करते हम। अच्छा और क्या है यहाँ जी सबका फिर नुक है भाई, वो हिंदू है अपना, वो अपने देखो हम अपने देखेंगे बाकी वो क्या है। तो हिंदू मुस्लिम बिरादरी के ऊपर होगा इलेक्शन? यो यहाँ नहीं सब जगह ही होगा। अच्छा आपके गांव में क्या होगा? यहाँ तो बीजेपी जाएगी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।